जय। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो है हमारे सिस्टम में यदि वाईफाई कनेक्ट ना हो तो क्या करेंगे और क्या क्या चीज़ें जो है हम चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या दिक्कत है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूँ, अब यदि आप विंडोज 11 का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे अगर मेरा सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है विंडोज 11 का ये नेटवर्क वाला है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो न्यू इंटरनेट एक्सेस देता है। बट इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमको जो है कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है कि यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करके या फिर अपना हॉटस्पॉट सर्च करके जो है यहाँ पर कनेक्ट करा दें। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्या क्या हमको करना होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर डालना होगा, ये चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले जो है यदि आप जो है लैपटॉप यूज करते हैं, तो लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको जो है अपने सिस्टम में विंडोज़ की के साथ आर प्रेस करना और यहाँ पर आ जाना है ncpa.cpl, उसके बाद से आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप ncpa.cpl करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको ईथरनेट का एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर इसके बगल में आपको जो है एक वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको जो है यहाँ पर देखें, जैसे मैं ईथरनेट पे क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे डिसेबल करूँगा तो वो डिसेबल्ड होगा आपका, तो उसको आपको इनेबल कर देना। जैसे मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ अभी इनेबल, जैसे आपको देखेंगे अभी ये दिख रहा है ना, इस तरह से आपको देखिएगा आपको इनेबल पे क्लिक कर देना है। और यदि आप ये नहीं सिस्टम, जैसे आप यदि आप लैपटॉप नहीं यूज करते सिस्टम यूज करते हैं, तो सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर आ जाना विंडोज़ की के साथ आर प्रेस करना और यहाँ पर आपको आ जाना कंप्यूटर मैनेजमेंट में compmgmt.msc। कंप्यूटर मैनेजमेंट में आप जैसे ही आ जाएंगे, वहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको आ जाना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में आ जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क एडाप्टर मिलेगा, इस पर आपको आ जाना है और यहाँ पर देखेंगे आपको देखना है कि आपके सिस्टम में जो है आपका नेटवर्क वाईफाई का जो है कार्ड वाईफाई जो है उसका ड्राइवर इंस्टॉलेड है या नहीं। तो यहाँ पर यदि आपको नहीं दिखता है तो आपको यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो है वाईफाई का ड्राइवर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वाईफाई का ड्राइवर आपको जो इंस्टॉलेशन में यहाँ से भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर अभी आप आएंगे कनेक्ट कराने के लिए तो आपको देखेंगे यहाँ वाईफाई अवेलेबल मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट करा सकते हैं। यदि आपने इतना तरीका अपना लिया फिर भी यदि आपका ड्राइवर नहीं शो हो रहा है, तो उसके लिए आपको जो है अपने सिस्टम में जो आप CPU यूज कर सकते हैं उसमें आप देखेंगे आपने छोटा सा एक डोंगल लगाया हुआ होगा, उस डोंगल को आपको आसानी से अपने हाथ से खींच के निकाल देना है और उसको फिर से उसी जगह पे या फिर किसी अन्य जगह पे जो है USB पोर्ट में लगा देना है। जैसे ही आप लगा देंगे USB पोर्ट में, उसके बाद से आप आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखेंगे आपको वाईफाई अवेलेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यदि आपको नहीं मिलता है तो एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है और यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर से कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ जाना है। आपको यहाँ पर आ जाने के बाद एक बार फिर से इसको जो है अपने डिवाइस मैनेजर में आके यहाँ से इसको जो है एक बार रिफ्रेश कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक बार जैसे रिफ्रेश किया, अभी जो है हमारा जो डिवाइस है यहाँ पर देखेंगे आप आसानी से कनेक्ट करा सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें, आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।